DHM Music presents. DHM Music. भजन मैं आपके बीच में सुनाती हूँ जिसमें शब्द की प्रधानता है. प्रेमी भक्तों, ये जमाना वो जमाना आ गया है कि जब पैसे के लिए लोग अपनों को त्याग देते हैं. किसी ने लिखा है और क्या खूब लिखा है कि इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग पैसे के लिए. इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग. सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग. कि बाद में अपने सब संस्कार तक भुला देते हैं लोग. और जिसने पैदा किया उस मातक को रुला देते हैं लोग. पैसा है यार यहाँ वरना बेकार यहाँ. पैसे के बिन दुनिया में इंसान लाचार यहाँ. कि पैसे की खातिर अपनों को दगा देते हैं लोग. सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग. पैसा एक ऐसी चीज है जिसके लिए दुनिया में ये कहा जाता है कि बाप पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है. लेकिन अगर इसी बात का उल्टा किया जाए तो जमीन आसमान का फर्क है कि पैसा भगवान से कम नहीं है लेकिन भगवान भी नहीं है. प्रेमी सज्जनों, और सबसे बड़े अचंभे की बात ये है, इस दुनिया के अंदर पैसे से केवल वही चीजें खरीदी जा सकती हैं जिनके बिना इंसान का काम चल जाता है. लाखों कोशिशों के बावजूद भी कितना भी पैसा खर्च कर लो, वो चीजें पैसे से नहीं मिलेंगी जिनके बिना इंसान का काम नहीं चलता. क्या कुछ लिखा है एक कवि ने, सुनिएगा भजन के द्वारा. शब्दों पे जरा गौर रखिएगा और क्या बताया. करके मंदिर तो बनवाए जा सकते हैं, मंदिर में पाठ पूजा करने के लिए पुजारी जी भी लाए जा सकते हैं, लेकिन मंदिर और पुजारी के साथ साथ बिना श्रद्धा विश्वास के, बिना आस्था के एक चीज नहीं मिल सकती. कि ये मंदिर मिल जा और भगत मिले, लेकिन भगवान सबसे ज्यादा पैसा मुकेश अंबानी के पास है. और इतना पैसा है कि वो चाहे ना देश के अंदर पता नहीं कितने लाख भिखारी होंगे, अगर सब में दो दो चार चार लाख रुपए भी बांटेगा ना तो देश में कोई भिखारी नहीं बचेगा. लेकिन इतना पैसा होने के बावजूद भी उस इंसान के हाथ में क्या नहीं है कि ये जीवन मरण मिले ना जीवन. संस्कार और परिवार मिले न पैसा से, एक आव भगत का अच्छा रिश्तेदार मिले न पैसा से. ये तो स्वागत और ये स्वागत और सत्कार मिले, पर प्यार मिले न पैसा से. मिले स्वार्थी घर घर सच्चा यार मिले ना पैसा से.
समझो कुछ भी गया नहीं, पर ये इज्जत चली गई तो समझो फिर कुछ भी रहा नहीं। प्रेमी सजनों, अगर हर इंसान अपनी जिंदगी में ऐसा देखना चाहे कि उसे कभी बेइज्जती का मुंह ना देखना पड़े, तो चार बातों का हमेशा ध्यान रखना। क्या बताया है किसी ने, क्या लिखा है कि बंदे जो सुख चाहे तू इस जीव का, तो चीज छोड़ दे चार। कि जो सुख चाहे तू इस जीव का, तो चीज छोड़ दे चार। क्या? चोरी चुगली जामनी तो और पराई नार। क्यों? क्योंकि चोरी कैद कराए दे और चुगली कर दे ख्वार, और ये तो घर लुटवा दे जामनी और सर कटवा दे नार। अरे ये परत्रिया पैनी छुरी ये तीन जगह से खाए, कि घर लुटे जोवन घटे और लाज कुटुंब की जाए। अगर बात सच्ची हो तो ताली बजाओ, बीच बीच में जो जो बात अच्छी लगा करे तो तालियों से बताते रहा करो, क्योंकि कलाकारों का तालियों से हौसला बढ़ जाता है। बाकी तो कुछ नहीं, दूसरी कली के अंदर क्या लिखा है। लाज मिले ना पैसा से, बिना तपस्या बिना तपस्या सच्चाई का ताज मिले ना पैसा से। ये तो गीत मिले, ये गीत मिले, संगीत मिले, आवाज मिले ना पैसा से। ये तो कुर्बानी रंग लाती है, कभी राज मिले ना पैसा से। कुर्बानी रंग लाती है, कभी राज मिले ना पैसा से। अरे सत्यवादी और गुणनशील, हाँ सत्यवादी और गुणनशील, इंसान मिले ना पैसा से। हो मंदिर मिल जा, भगत मिले, निकल जाया करता है, ये कभी वापस नहीं आया करते। एक बार चले जाने के बाद बड़े लोग भी यही कहकर गए हैं। क्या? अरे बड़े लोग कह गए समय और बात मिले ना पैसा से। ये तो भूख प्यास, ये भूख प्यास, अच्छी निंद्रा दिन रात मिले ना पैसा से। चाहे कितनी महंगी क्रीम क्यों ना लगा लो, कितने अच्छे पाउडर क्यों ना लगा लो, लेकिन जो सुंदरता कुदरत देती है वो कभी किसी क्रीम पाउडर से नहीं आया करती है। बताया? ये तो रूप रंग, ये रूप रंग, अच्छी भाषा और जात मिले ना पैसों से। बच्चों को आदर्श पिता और मात मिले ना पैसा से। ओ बच्चों को आदर्श पिता और मात मिले ना पैसा से। कि बच्चों को आदर्श पिता और मात मिले ना पैसा से, लेकिन मात पिता को भी क्या नहीं मिलता? सेवा करे जो सेवा करे, माँ बापों की सेवा करे माँ बापों की, संतान मिले ना पैसा से। ओ, मंदिर मिल जा, भगत मिले। Oh,
सारे लोगों के अंदर एक होड़ लगी हुई है कि भाई फलाने ने ना अपनी लड़की की शादी में 50 लाख लगाया, मैं 1 करोड़ लगा के दिखाऊंगा। लेकिन ये सच है कि पैसा खर्च करने से लड़की वाले ये सोचते हैं कि भाई बेटी की शादी में अगर ज्यादा पैसा लगाएंगे, ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो अच्छे घर से, अच्छे खानदान से हमारा रिश्ता जुड़ेगा और हमारी बेटी सुख पाएगी। लड़के वाले ये सोचते हैं कि बढ़िया पैसा खर्च हो जाएगा, बढ़िया घर से रिश्ता जुड़ेगा तो बढ़िया घर का दामाद मिलेगा, प्रेमी सज्जनों बढ़िया घर की बहू आ जाएगी। लेकिन पैसे खर्च करके ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि जो घर में बहू आने वाली है वो बाद में कैसी निकलेगी, चरित्रहीन निकलेगी या चरित्रवान निकलेगी। पैसे खर्च करके ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि जिसके लिए हम अपनी बेटी को ब्याह रहे हैं, जिसके लिए हम अपनी बेटी को दे रहे हैं, वो दामाद बाद में अच्छा निकलेगा या बुरा निकलेगा पता लगा सकता है कोई? ये पैसा खर्च करना ज्यादा फिजूल खर्ची बंद कर दो। प्रेमी सज्जनों लास्ट कली के अंदर कवि ने क्या कुछ लिखा है, क्या बताया सुनिए। सुहानी सुगड़ सुहानी पतिव्रता सी बाम मिले ना पैसा से। जो औरत अच्छी होती है, जो बेटी अच्छे खानदान की होती है, जो पतिव्रता औरत होती है वो पैसे से नहीं, बिना पैसे के ही अच्छी निकल जाती है। बताया ये तो बेटे होंगे घर घर में, पर बेटे होंगे घर घर श्रवण, राम मिले ना पैसा से। किशन पाल तेरा